ऑनलाइन गेम के जरिए बच्चों का धर्मांतरण के लिए ब्रेन वॉश करने की साजिश की भी जांच जारी है। पुलिस इस मामले में मास्टरमाइंड मान रहे शहनवाज की तलाश कर रही है, लेकिन वो बेहद शातिराना तरीके से पुलिस की आंख में धूल झोंक रहा है। पुलिस अब मुंबई के साथ साथ दूसरे शहरों में भी शहनवाज की तलाश के लिए ऑपरेशन शुरू कर सकती है। इस बीच धर्मांतरण की साजिश में फंसे नए मामले के सामने आते जा रहे हैं, लेकिन पुलिस को उम्मीद है कि सारी गुत्थियां शहनवाज की गिरफ्तारी से सुलझेंगी। ऑनलाइन साजिश का मास्टरमाइंड कहां फरार? पुलिस की गिरफ्त से कितनी दूर शहनवाज? गाजियाबाद पुलिस मुंब्रा में शहनवाज को तलाश रही है, लेकिन वो पुलिस की आंखों में धूल झोंक रहा है। शहनवाज की मां मुमताज को भी थाने लाया गया, लेकिन शहनवाज का कोई सुराग हाथ नहीं लगा। पुलिस को अब पता चला है कि शहनवाज अपने दो भाइयों के साथ 31 मई को ही फरार हो गया था। शहनवाज के 29 साल के दो जुड़वा भाई हैं। एक भाई शहनवाज के साथ है, जबकि दूसरा दिल्ली की तरफ गया है। फरारी के दौरान शहनवाज मोबाइल और इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर रहा। जिस शहनवाज को ऑनलाइन गेम की लत लग गई थी, वो आज फरारी के दौरान इंटरनेट को छू भी नहीं रहा। इस बीच इस पूरी साजिश के खुलासे में अहम भूमिका निभाने वाले हिंदू समाज संघ के उपदेश राणा ने नए खुलासे किए हैं। उपदेश ने बताया कि कैसे मुंबई से सटे वसई में राजेश जानी का ब्रेन वॉश किया गया। उपदेश का बयान पुलिस दर्ज कर चुकी है। जो अपने पापा के मोबाइल के फोटो खींचे हैं, उसमें साफ साफ दिख रहा है कि उनके अकाउंट में पैसा आ रहा है कंटिन्यू, वो भी मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा। ऐसा घटनाक्रम हुआ है, वहाँ पर ऑनलाइन बच्चे इस्तेमाल किए गए ऑनलाइन के द्वारा। यहाँ पर राजेश जानी जो 52 वर्ष के हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन अपने धर्म को मानने में दे दिया, वो घर पर कुरान रख लिया उन्होंने और अपने बच्चों को कह रहे हैं कि तुम भी इस्लाम में आओ, तो पूरा ब्रेन वॉश एक तरीके से। तो ये जो ट्रांजैक्शन और ये चैट है, ये किसके किसके बीच में और ट्रांजैक्शन किसका उद्देश्य? जी मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो ट्रांजैक्शन की बात मैंने आपसे बताई, ये लड़की ने मुझे भेजी, आप अपने कैमरे पर दिखा सकते हैं। ये उसने फोटो लिया है अपने पापा के मोबाइल से, जिन पर मैसेज आते हैं, और साफ साफ जिस बंदे ने भेजे उसका नाम भी देख सकते हैं और पेमेंट भी देख सकते हैं। तो नूर मोहम्मद गुलिस्ता के नाम से ये पेमेंट हुई है? जी, पहले ब्रेन वॉश किया गया, उनको इस्लाम में लिया गया और फिर उनके खाते में लगातार पैसा आ रहा है। ये सबूत है आपके चैनल पर, जो चीख चीख कर ये कह रहे हैं कि लालच देकर ब्रेन वॉश कर कहीं भय दिखाकर कहीं बरगला कर और हिंदुओं को कैसे टारगेट करके इस्लाम में लाया जा रहा है। कि वो इतने बड़े 52 साल के इतने बड़े व्यक्ति हैं, तो पैसे तो वो अपने बिजनेस से या किसी और चीज़ से भी कमा सकते हैं, तो कैसे हम इस बात को माने कि ये वही धर्मांतरण के लोगों की तरफ से पैसे ट्रांसफर किए? ये बिल्कुल साफ है कि एक व्यक्ति का नाम जिसमें आपको दिख रहा है, उसने पैसा ट्रांसफर किया है। और कोई किसी को पैसा क्यों देगा? पहले धर्मांतरण होता है, कुरान घर में जाती है, अपने परिवार को ये कहा जाता है तुम भी इस्लाम में, और उसी समय पैसा आता है अकाउंट में। तो सीधा सीधा मैं इसको उसी चीज़ से देख रहा हूँ कि ये वही गैंग है जो पैसा दे करके, और जिनकी स्थिति सही नहीं है या सही भी हो, और पैसे का लालच दे करके उनको कन्वर्ट कर रहे हैं। राजेश जानी अपने धर्म को मानने वाले शख्स थे, लेकिन उनका इस तरह से ब्रेन वॉश किया गया कि वो अपने परिवार से ही अलग हो गए। राजेश जानी का अपने परिवार के साथ जो व्हाट्सएप चैट सामने आया है, वो सारी स्थिति साफ बयान कर देता है। इस चैट में लिखा गया है, कुर्ता पायजामा और टोपी पहन लूंगा, तुम लोग घर के अंदर मंदिर में पूजा करोगे, घंटी बजाओगे, हनुमान चालीसा गायत्री चालीसा जोर जोर से पढ़ोगे, हमारे को नहीं चलता। हाँ भाई, मैं तो मुस्लिम हूँ, कसाई हूँ, इसलिए कहाँ आएगी बच्चों की याद, हम लोग तो दुनिया में ऐसे ही बदनाम हैं। राजेश जानी के परिजन उनसे घर वापस आने के लिए मिन्नतें करते रहे, लेकिन वो उन्हें खुद अपने पास बुलाने लगे। तुम लोग भी आ जाओ यहाँ मुस्लिम इलाके में रहने के लिए, जहाँ मैं रहता हूँ। तुम लोगों को लोग कहेंगे तेरा बाप मुस्लिम है और तुम लोग हिंदू हो, तुम लोग एक साथ कैसे रहते हो, तो क्या बोलोगे? अब तो सबको मालूम पड़ गया है, अब तो मैं नमाज पढ़ने भी जाऊंगा और कुर्ता पायजामा और टोपी पहन लूंगा। कुर्ता पायजामा पहनकर टोपी लगाकर मस्जिद जाऊंगा, तुम लोगों को शर्म तो नहीं आएगी ना? तुम लोगों को मेरे साथ रहना है या नहीं? उन्होंने ऐसा मतलब कुछ एकदम खुल के तो नहीं बोला, पर मैंने उनको पूछा था कि आपने मतलब इस्लाम कबूल कर लिया तो अब हम लोग का क्या होगा करके, तो उन्होंने बोला कि सब ठीक हो जाएगा और अल्लाह सब ठीक करेगा और थोड़े दिन देखो, फिर तुम भी मतलब मेरे पास में आ ही जाओगे, ऐसा करके बोले थे वो। वसई पुलिस आज राजेश जानी की बेटी और उनकी पत्नी का बयान दर्ज कर सकती है।
जिसके बाद इस केस में जांच का एक फ्रंट और खुल जाएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।